इन लोगों के भी लेबर कार्ड बने हैं, उनको कम से कम 3,000 रुपया महीना पेंशन दी जाए, और हमारी विधवा जो बहनें हैं जिनको 1,000 रुपया पेंशन मिलती है उनके भी 3,000 रुपया पेंशन होनी चाहिए, बुढ़ापा पेंशन जो है वो भी 3,000 रुपया होना चाहिए। और दर्शन कुमार मिस्त्री, मैं मौजूद असकार यूनियन का जिला प्रधान हूं। आज हमारे साथ हमारे सूबा के प्रधान लखविंदर सिंह जी, जनरल सेक्रेटरी केवल कृष्ण जी, और सोशल वर्कर डॉक्टर मुल्कराज मागी जी, हमारी बहनें और हमारे मजदूर भाई जो सारे जहां पे हैं। आज हमारा सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारी इलेक्शन हुई, हमारे MLA जहाँ के जीत गए, डिस्ट्रिक्ट के चार MLA जो जहाँ के बने, मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और सरकार जो है NC की सरकार जहाँ पे जम्मू कश्मीर में बनी है, तो जनाब उमर अब्दुल्ला साहब को और डिप्टी CM जो हमारे बने हैं सुरेंद्र साहब को, सबको मैं बहुत बहुत अपनी दिल की गहराइयों से मजदूरों की तरफ से इनको हम मुबारकबाद देते हैं। और आने वाले टाइम में हम उम्मीद करते हैं कि जिन अपनी मांगों के लिए हम पिछले 10-15 साल से संघर्ष कर रहे हैं, इसमें सबसे बड़ा हमारा मसला जो है वो पेंशन का मसला है। जैसे हमारे दूसरी स्टेटें जो हैं वहाँ पर हमारे मजदूरों को, जो रजिस्टर मजदूर हैं उनको पेंशन दी जा रही है, लेकिन बड़े शर्म से हमें कहना पड़ता है कि जम्मू कश्मीर में पेंशन का अभी तक कोई नाम नहीं है। तो मैं जो नई सरकार हमारी बनी है उनको मैं कहना चाहूँगा कि जिन लोगों के भी लेबर कार्ड बने हैं उनको कम से कम 3,000 रुपया महीना पेंशन दी जाए, और हमारी विधवा जो बहनें हैं जिनको 1,000 रुपया पेंशन मिलती है उनके भी 3,000 रुपया पेंशन होनी चाहिए, बुढ़ापा पेंशन जो है वो भी 3,000 रुपया होना चाहिए, और हैंडीकैप पेंशन जो है कम से कम 3,000 से कम नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हम पिछले 10 साल से देख रहे हैं महंगाई इतनी बढ़ गई है, खाने पीने की चीज़ें, जरूरी दवाइयाँ, सारी चीज़ें इतनी महंगी हुई है कि 1,000 से कुछ नहीं बनता है। तो मैं सरकार से सबसे पहले यही मांग करूँगा कि हमारे मजदूर जो नया हिंदुस्तान बनाने में जिन्होंने एक अहम रोल निभाया है, आज भी हमारे मजदूर सड़कें, पुल, बड़े बड़े टनल, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हम बना रहे हैं, और 60 साल के बाद जब वो रिटायर होते हैं, जब काम करने के लायक नहीं होते हैं, तो अपनी एक एक दवाई की टिक्की के लिए वो तरसते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि 60 साल के बाद हमारे मजदूर कितने साल जिएंगे, कम से कम ये 5 या 10 साल जिएंगे, लेकिन उनका मैं कहता हूँ कि हमारे मजदूर भी एक इज्जत के साथ वो जिए। ये सरकार का फर्ज बनता है कि जो रजिस्टर सरकार ने किए हैं मजदूर जिनके लेबर कार्ड बने हैं, उन लोगों को 60 साल से बाद कम से कम 3,000 रुपया पेंशन दे, और यही मांग है, और गवर्नमेंट को ये हमारी जाय मांग है पूरी करनी चाहिए। तो मैं फिर मुबारकबाद देता हूं उमर साहब को, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, BJP के जो अपोजिशन लीडर बने हैं सुनील शर्मा साहब को, सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। जो सारे हमारे लीडर हैं, हमारे हीरो हैं, जो सारे, चाहे वो BJP के हैं, कांग्रेस के, NC के हैं, मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ। आने